यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग नीतूश्री। होप यू ऑल आर गुड। सो मैं फिर से हूँ आपके सामने अपने ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है, मैंने एक आई शैडो पैलेट ली थी मॉर्फी की, तो मैं उसका ही रिव्यू करना चाहती हूँ आपके सामने। ये पैलेट मुझे कैसे लगी और मैं इसको, मेरा ये फर्स्ट इम्प्रेशन भी होगा क्योंकि मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, तो मैं आज आपके सामने ही इसको ट्राई भी करूँगी। अपने आई लुक इससे मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं इसके स्वॉचेस भी आपको दिखाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ ये पैलेट वर्थ है कि नहीं है। सो मैं आपको बता दूँ, मैंने इसको नायका हॉट पिंक सेल से ख़रीदा था नवम्बर में और मैंने अभी तक इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। इस पैलेट का नाम है मॉर्फी सनसेट बीच 18S आर्टिस्ट्री पैलेट। सो विदाउट एनी फर्दर यू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं ये पैलेट क्या कमाल की है। तो ये आउटर पैकेजिंग है इसका, एक ऑरेंज कलर का ये कार्डबोर्ड सा पैकेट है। ये इसके अंदर मुझे पैलेट मिल जाएगी। इसका प्राइस है 1700 रुपीज़। और जब मैं इसको निकालती हूँ तो इसके अंदर इस तरीके की कुछ पैकेजिंग निकली है। ये बबल वाला पॉलीथिन है जो हम लोग इसको चिट चैट करके बजाते हैं। और इसके अंदर ये सनसेट बीट्स की पैलेट है। बहुत सुंदर सा कलर है, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड प्लास्टिक का ये है बॉक्स और इसमें मिल जाता है एक बड़ा सा मिरर एंड फुल साइज का मिरर है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पैलेट लग रही है। 18 शेड्स हैं इसके अंदर, काफ़ी न्यूड्स हैं। देन स्मोकी लुक के लिए काफ़ी डार्क कलर्स भी हैं। एक इन्होंने ये ग्लिटर भी प्रोवाइड किया है। देन थोड़े से शिमरी शेड भी हैं। ओवरऑल अच्छी लग रही है ये पैलेट। कलर स्कीम इज सो गुड इन हेयर। सो देखती हूँ मैं इसको अब यूज़ करके, मैं बाद में इसको इसके आपको स्वॉचेस भी दिखाऊंगी। इसके अंदर ये एक फिल्म है जिसमें कि सारे कलर्स के नाम मेंशन किए हैं इन्होंने। तो चलिए मैं इससे एक अपना आई लुक क्रिएट करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या इफ़ेक्ट है इसका। तो सबसे पहले मैंने लिया है मॉर्फी का ही ये कंसीलर है, तो मैं अपने आईलिड्स को थोड़ा सा कंसील कर लूँ क्योंकि हल्का सा लाइनर लगा हुआ है। फिंगर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। ये करना काफ़ी ज़रूरी है गाइस, इससे क्या होगा, आपका जो कलर आएंगे ना काफ़ी पॉपअप होके आएंगे। अगर आप बेयर आईज पे ऐसे ही आई शेडो लगा दो तो उतना अच्छा कलर नहीं आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है या तो आप कोई आई प्राइमर लगा लो पहले या कोई कंसीलर लगा लो थोड़ा सा। मैंने लिया है मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर और इससे मैं अपने आईलिड्स को सेट कर दूंगी। सबसे पहले मैं डिक कर रही हूँ मेरे ब्रश को इस कलर में एंड इसको मैं अपने ट्रांजिशन एरिया में डालूंगी। ब्रश भी मैंने लिया है मॉर्फी का M504 ब्रश। तो मैंने इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर दोनों ही जगह पे आई शेडो को लगा लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क ऑरेंज शेड लेकर इस वाले शेड से थोड़ा सा और डेप दूंगी। तो मैं आज हेलो टेक्निक यूज़ करने जा रही हूँ। तो अब मैं सेम शेड को दोनों तरफ लगाते हुए ब्लेंड करूँगी। मैं ले जा रही हूँ इसमें से ये वाइन शेड और इसको भी मैं इनर एंड आउटर कॉर्नर पर प्लेस करूँगी। अब मैं ये डीपर शेड ब्राउन इसको यूज़ करूँगी और भी ज़्यादा कॉर्नर्स को इंटेंसिफाई करने के लिए। हल्का सा फॉल आउट है इसमें बट आई डोंट हैव एनी इशू क्योंकि अच्छी पैलेट्स में थोड़ा सा तो अच्छे आई शेडोज जो होते हैं, जो पिगमेंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा,
वो थोड़े से फॉल तो होते ही होते हैं, तो आई डोंट माइंड। अब मैं पहले वाला अपना ब्रश उठा रही हूँ, मॉर्फी वाला, और मैं फिर से सबसे लाइटर शेड लूंगी अपनी पैलेट का, लाइट ऑरेंज। एंड जो भी मैंने अपने आईज पे ये कलर्स लगाए इन सबको मैं ब्लेंड कर दूंगी क्रीज एरिया तक, ताकि सब कुछ ब्लेंडेड लगे, सीमलेस लगे। अब मैं इसमें से लूंगी यहाँ पे एक दो तीन गोल्डन सॉर्ट ऑफ शेड्स हैं, तो मैं ये वाला लेने जा रही हूँ गोल्डन शेड, और इसको मैं अपने सेंटर ऑफ माय आई पर प्लेस करूंगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर। बट आई मस्ट से कि ये फॉयल्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं है गाइस, लाइक इसमें शिमर तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बट पिगमेंटेड है नो डाउट, बट लाइक मेटालिक उतने ज्यादा नहीं है ये जितने होने चाहिए। सेम ब्रश लूंगी और इनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा डिफ्यूज कर दूंगी। वॉइस ने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, लाइक वो बात नहीं आ पा रही है जो मुझे चाहिए थी, एंड डार्क शेड्स में थोड़ा सा फॉल आउट भी है, वो आई डोंट माइंड, मैंने पहले ही बोला। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसमें जो ग्लिटरी शेड एक दिया है इन्होंने, ये ग्लिटर्स प्रोवाइड किए हैं गोल्डन कलर के ये वाले, इनको मैं लगा के देखती हूँ उसके ऊपर। तो मैं वो भी फिंगर से ही अप्लाई करना चाहूंगी, बहुत अच्छे तो नहीं लग रहे हैं, लाइक उठाने पे आधे ही, बहुत ज़्यादा मैंने प्रेस किया है तब, ये थोड़े से प्रेस ग्लिटर्स ही हैं ये, तो मैं इनको सिर्फ सेंटर पे पॉप कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ग्लिटर्स भी मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, लाइक ये गिर रहे हैं जैसे ही मैं ब्रश को टच करती हूँ, ये सारे गिर जाते हैं। तो मुझे इसके लाइक मैट शेड्स तो काफ़ी अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन जो ग्लिटर्स, प्रेस ग्लिटर्स और जो मेटालिक्स हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो ये मेरा आई लुक है, मैं सेम कलर्स अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूँगी। पेंसिल ब्रश लिया है, क्लोज टू लैश लाइन मैं डार्क ब्राउन वाला करूंगी पहले। फिर वाइन शेड करूंगी थोड़ा सा। एंड उसके बाद मैं ऑरेंज शेड लूंगी और उसकी हेल्प से सब कुछ ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं एक स्मॉल ब्रश ले रही हूँ और सेम मेटालिक वाला जो गोल्डन शेड है उसको मैं अपनी ब्रो बोन्स पर लगाऊंगी थोड़ा सा। ये बिल्कुल भी मेटालिक नहीं है गाइस, न्यूड लग रहा है मुझे तो, ये लाइक वाइट सॉर्ट ऑफ वार्म शेड। अब मैं लगाऊंगी अपने इनर कॉर्नर्स पे, नाउ आई विल कोट माई लैशेज विथ सम मस्कारा। ये है वॉरियर प्रिंसेस मस्कारा बाय फ्लावर ब्यूटी, बहुत अच्छा मस्कारा है, मुझे बहुत पसंद है ये, तो बिना फॉल्सीज के भी लैशेज को काफ़ी अच्छी वॉल्यूम एंड लेंथ ये प्रोवाइड कर देता है। अब मैं इस पर थोड़ा सा लिप एंड चीक टिंट बाय अर्ध रिदम का ये टिंट लगाऊंगी अपने लिप्स पर। सो या आई एम रेडी, दिस इज माय फाइनल लुक। मैंने हल्का सा टिंट अपनी चीक्स पे भी लगा दिया है। तो अब मेरे मैं आपको बताती हूँ अपने फाइनल थॉट्स अबाउट दिस पैलेट सनसेट बीच बाय मॉर्फी। तो मैं ये कहूँगी कि लाइक 1700 बक्स की ये पैलेट है, हाँ बहुत सारे शेड्स हैं, 18 शेड्स प्रोवाइडेड हैं, लेकिन
इतनी ही प्राइजेस में आपको और भी पैलेट्स मिल जाएंगी, इससे कम में भी, लाइक नीका के की आई शेडो की जो छोटे छोटे से क्वार्ट्ज आते हैं काफ़ी रीजनेबल होते हैं 300 समथिंग के, लेकिन उनके पिगमेंट्स इतने अच्छे होते हैं एंड फॉयल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की थी, मैं इसको बेकार नहीं बोलूँगी, लाइक अच्छे हैं, इसके जितने भी मैट शेड्स हैं काफ़ी पिगमेंटेड हैं, काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो रहे हैं, बट मुझे इससे ये शिकायत है कि इसके जो फॉयल्स हैं एंड जो इसके मिटा एक इसमें जो प्रेस ग्लिटर्स दिए हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। ग्लिटर्स एकदम ड्राई हो रखे हैं, लाइक वो जल्दी से उठता ही नहीं है फिंगर पे, और प्लेस करने पे भी बहुत बार मैंने ट्राई किया तब थोड़ी थोड़े से लग पाए, बहुत अच्छे से नहीं प्लेस हो रहे हैं, और उसके बाद भी वो गिर रहे हैं, लाइक अगर आपने ज़रा सा भी कुछ ब्रश वगैरह टच किया तो वो आपके फेस पे गिरने लगते हैं। एंड जो इसके मेटालिक शेड्स हैं जितने भी इसमें, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मेटालिक शेड्स हैं जो बेकार हैं, यूजलेस हैं, मतलब उनका कोई काम नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो इसमें मैट शेड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैट शेड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, अ बिग थम्स अप टू देम। लेकिन उसके अलावा मुझे ना तो इसके फॉयल्स अच्छे लगे, ना ही इसके ग्लिटर्स अच्छे लगे। हो सकता है और इसकी पैलेट्स में जो भी हों वो अच्छे होते हों, आई डोंट नो। जैकलिन हिल की, लाइक मॉर्फी की पैलेट्स तो काफ़ी फेमस हैं, जैकलिन हिल वाली मेरे पास नहीं है, मैंने सोचा था मैं वो भी मंगा लूँ क्योंकि मैंने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं। पता नहीं ये ऑथेंटिक है कि नहीं, मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इतनी फेमस ब्रांड की पैलेट है, मेरे को इसने डिसअपॉइंट किया थोड़ा सा, लाइक नॉट फुली डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ मैं, बट थोड़ा सा हूँ। यही मैंने जो हुडा की पैलेट्स हैं, थोड़े से प्राइस ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन उसके ईच एंड एवरी कलर्स जो उसमें प्रोवाइडेड हैं बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और जो मेरी छोटी छोटी सस्ती सस्ती पैलेट्स हैं, लाइक निका के की, वेट एंड वाइल्ड की आप ले लो, बहुत अच्छी पैलेट्स हैं। देन स्विस ब्यूटी की यार 100-150-200 रुपये में मिल जाती है वो छोटू सी पैलेट, उसके भी पिगमेंट्स इतने ही ज़्यादा वो लाइक पिगमेंटेड हैं एंड ब्लेंड हो जाते हैं, तो उतनी थोड़ी सी शिकायत है मुझे। बाकी तो अब मैंने ली है तो यूज़ तो करूँगी, कोई बात नहीं, प्रेस ग्लिटर्स मैं दूसरे ले लूँगी, मेरे पास हैं और भी। बट यार लगता है ना, जब आप इतना इन्वेस्ट करो और आप सेटिस्फाई ना हो पाओ किसी चीज़ से तो थोड़ा सा लगता है। बट हाँ, इसके जो न्यूडी शेड्स हैं, मैट शेड्स हैं, वो सारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ इनके स्वॉचेस आपको फटाफट से। तो ये 6 शेड हैं, सबसे अपर रो के लाइट ऑरेंज है, दिस इज़ लाइट लाइक लेमनी, ये है जो प्रेस ग्लिटर वाला, ये येलो है, एंड दिस इज़ द मेटालिक शेड जो मैंने नहीं, ये वाला मैंने नहीं यूज़ किया था। तो ये वाले हैं फर्स्ट रो के। तो ये शेड्स हैं सेकेंड रो के, लाइक ये थोड़ा सा ब्राउनी शिमरी मेटालिक शेड है, ऑरेंज है, देन ये गोल्डन है, लाइट ऑरेंज है, पीच शेड है, दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल शेड, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला शेड, और ये एकदम न्यूड शेड है एक। ये है लास्ट रो के शेड, डार्क ब्राउन है, देन ये थोड़ा सा रेडिश टोन में है, दिस इज़ ऑल्सो अ मेटालिक शेड, ब्राउन ब्राउन, दिस इज़ द ऑरेंजी मेटालिक शेड है, थोड़ा सा कॉपर लाइक, बट इसका ये शेड भी मुझे थोड़ा सा पैची लग रहा है। सो ये सारे शेड्स हैं इस पैलेट्स में, जिस मतलब आधे शेड्स तो यूजलेस हैं, आधे अच्छे हैं। तो मैं इसको क्या दूं, लाइक 10 में से मैं इसको दूंगी 7 आई थिंक, यस। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये था एक शॉर्ट रिव्यू मेरा 10 मॉर्फी की पैलेट का। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर रिंग कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलती हूँ मैं, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स, बाय बाय, लव यू ऑल।